हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स चैप्टर के। ये जो वीडियो है ये 2024 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द इरेगुलर टीयर लाइक वुंड्स कॉज्ड बाय सम ब्लंट ट्रॉमा डैश, ए लेसरसन, बी कॉन्ट्यूजन, सी एब्रेजन, डी इंसीजन। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं लेसरसन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच साइड ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश फ्रैक्चर इज व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस अ बोन, ए ग्रीन स्टिक, बी स्ट्रेस फ्रैक्चर, सी कॉम्यूटेड, डी ट्रांसवर्स। तो इस फ्रैक्चर को दोस्तों हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 बीट, ए 70, बी 90, सी 50, डी 60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 70 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कार्डिक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज। मतलब दोस्तों कार्डिक आउटपुट को कौन से फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द स्टेटमेंट डैश इज ट्रू फॉर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब दोस्तों हमें ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है किसके बारे में, कि एक्सरसाइज का क्या शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। ऑप्शंस में हमारे पास दिया गया है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंजरी सोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। मतलब दोस्तों हमारे पास नीचे डायग्राम दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कौन से टाइप की इंजरी है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ए बोन, बी स्किन, सी लिगामेंट, डी मसल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी लिगामेंट। और ये जो इंजरी है इसे हम कहते हैं स्प्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है स्प्रेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर और एब्रेजन। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है स्किन, बोन, लिगामेंट और मसल। हमें इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों जो स्प्रेन होता है वो होता है हमारे लिगामेंट में, स्ट्रेन जो होता है वो होता है दोस्तों हमारा मसल में, फ्रैक्चर होता है हमारे बोन में और एब्रेजन होता है हमारे स्किन में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लेसरसन इज। लेसरसन क्या है, ए इरेगुलर कट ऑन स्किन, मसल इंजरी, टेंडन इंजरी, लिगामेंट इंजरी। तो दोस्तों लेसरसन हमें पता है काफ़ी ज़्यादा इजी है, इरेगुलर कट ऑन स्किन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपको पता ही है कि जो लेसरसन है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बोन कम्स आउट ऑफ सॉकेट इन हिप डिसलोकेशन। हिप डिसलोकेशन में कौन सा जॉइंट सॉकेट से बाहर आ जाता है, ए फीमर, बी टीबिया, सी ह्यूमरस, डी फीबुला। तो इसका करेक्ट आंसर को दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन नहीं करता है, ए जॉइंट स्ट्रक्चर, बी एज एंड जेंडर, सी एरोबिक कैपेसिटी, डी प्रीवियस इंजरी। तो दोस्तों जॉइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर, प्रीवियस इंजरी, ये तीनों के तीनों फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। एरोबिक कैपेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डैट डू नॉट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ इज। मतलब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस में कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फैक्टर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन नहीं करता है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों साइज ऑफ मसल्स, बॉडी वेट, मसल कंपोजिशन, ये तीनों दोस्तों क्या करते हैं स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो ट्विच फाइबर्स आर ऑफ डैश कलर। मतलब दोस्तों स्लो ट्विच फाइबर्स कौन से कलर के होते हैं, ए वाइट, बी रेड, सी येलो, डी पिंक। तो दोस्तों ये होते हैं रेड कलर के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ट्विच फाइबर्स आर ऑफ डैश कलर। फास्ट ट्विच फाइबर्स कौन से कलर के होते हैं, तो फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं वाइट कलर के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो ट्विच फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज। स्लो ट्विच फाइबर्स को हम और किस नाम से जानते हैं, तो स्लो ट्विच फाइबर्स को हम रेड मसल फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमने कुछ बोनस क्वेश्चंस भी रखा है आपके लिए, इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, स्किन इंजरी इन विच देयर इज कट कॉज्ड बाय अ शार्प एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। मतलब वो कौन सा स्किन इंजरी है जिसमें जो कट होता है वो ऑब्जेक्ट के शार्प एज से होता है। ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है एवल्जन, इंसीजन, पंक्चर वुंड, स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज द ओवर स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट्स द फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स टू बोन इन द टुगेदर इन अ जॉइंट। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए डिसलोकेशन, बी स्ट्रेन, सी स्प्रेन, डी कंट्यूजन। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स चैप्टर के। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।